पेंट कर देंगे, लेकिन अभी तो भैया हमारे पास ना हालत है ना टाइम है। कल 20 तारीख भैया का रोड है, पता चलेगा जब वहाँ डालने जाओगे। यार दबा भी नहीं, हेलो गाइस, राधे राधे। तो हम सो करके उठ चुके हैं और मम्मी काम उनकी, फिर उसके बाद फिर सो गई। ओह नो। और मैं खा रहा हूँ यहाँ बैठ के आम जो मुझे मिला था कल, जब मैं वहाँ पे पंडित बन के नहीं बैठा था गांव में, तब वहाँ पे मुझे मिला था ये आम, उसी को खा रहा हूँ। ये देखो सब लोग खा पी के ख़त्म कर दिए, मेरे लिए बस इतना छोड़े और थोड़ा सा और। और भैया की तबीयत और भी ख़राब हो गई है, पता नहीं कैसे आराम कर रहा है उस रूम में। अभी चलते हैं थोड़ी देर में, और मौसम भी बढ़िया हुआ एकदम, हवा हवा चल रही भाई, हवा भी चल रही इधर, और धूप भी इतनी तेज़ है, मतलब लू चल रही है और लाइट चली गई है। तो मम्मी भी उठ के पता नहीं कहाँ गई बाहर बाहर, इनको देखो या घूम रही बाहर, लाइट कट गई है तो ये बाहर घूम रही है जा कर के। हवा चल रही है, धूप भी है और हवा भी चल रही है, बहुत गर्मी भाई, लोग क्या कर रहे हैं। ये देखो सो रहा है, तबीयत खराब है लेकिन मोबाइल चला रहे हैं। पूरे घर में अंधेरा अंधेरा मचा है, आराम करने के अलावा कुछ नहीं यहाँ करने को। वहां तो कहीं निकल उकल भी जाते थे, अब यहाँ यहीं पड़े रहो ऐसे ही। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ कि जा करके इस लड़के के लिए दवा ले आऊँ, और तब से ये लड़की बैठ करके मेरे लिए ये खाने के लिए आना, वो खाने के लिए आना। मम्मी भैया से पूछी है लेकिन बता ये रही है। या क्या खाओगी? आइसक्रीम वाइसक्रीम नहीं आएगी, तुम कुछ खाओ कि नहीं? ये इसकी तबीयत खराब, कुछ नहीं खाना, लेकिन इसको देखो आइसक्रीम वाली। क्या कह रहे मम्मी बताओ? ठीक, 10 रुपये वाली फ्रूटी आएगी अब तुम्हारी, काहे तो 60 वाली ले आना तब भी आइसक्रीम खाएंगे। भैया यहाँ सबका काम चल रहा, जल्दी बताओ हम जाए हुए। उसकी तबीयत खराब है, बैठा है यहाँ, डिस्कशन चल रहा क्या। घर वाली जो क्लिनिक थी वो तो बंद निकली, दूसरी क्लिनिक भैया बताया, वहाँ हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। बड़ी समस्या है यार, दवा भी लेनी है और क्लिनिक भी बंद है। A few moments later. मिल गई भाई दवा भी, और दीदी के लिए आइसक्रीम भी ले ली छोटी मोटी, क्योंकि भैया के लिए खाने के लिए लेना है और इसका तो ऐसे ही बस लेना था। हाँ वो ले थोड़ा खुश हो जाए। फोटोकॉपी और दवाई मोबाइल ले करके मैं आ चुका हूँ घर, और इस लड़के के लिए आइसक्रीम भी ले आए हैं। ये देखो खा रही है, ओए बढ़िया है आइसक्रीम, मम्मी बोली थी। बाकी इन लोग का एडमिट कार्ड ओड है, लो भैया पकड़ो अपना एडमिट कार्ड। गर्मी हो जाती है, सोचो गाड़ी बैठे तो गर्मी हो गई इतनी। मैं थोड़ी बहुत हिम्मत करके उठा हूँ और कपड़ा वपड़ा पहना, अभी अरुण को कॉल किया था मैंने कि तुम्हारी मम्मी देखती है ना जरूर, मतलब नारा उखड़ता है तो कैसा होता, तो उसने बताया और पेट में दर्द होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अरुण के घर देखूँ। वो बोल रहा था कि मम्मी जब खाली पेट होता है तब देखती हैं, लेकिन आओ देखा जाए क्या होता है, क्या खाते हैं उसमें जिससे सही हो। निकले जाए भैया दिखा के आए, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आज तो हम फोन करके बोल दिए कि आज नहीं आ पाएंगे, मैनेज करिए, तो वो फोन करके खुद गए ऑफिस। लेकिन भैया रोज रोज थोड़ी नोगा, हमारे भी तो छुट्टियां बढ़ रही हैं यार, निकल के देखें पहले क्या होता है। जाओ देखो वीडियो डाल दे दीजिए, वो वहीं पे जब वोट तुम डालने जाओगे तो वहीं पे नाम अपना बोलोगे तो वो पर्ची देंगी तुमको, समझे। अरुण जो है इनका वोटर आईडी है, लेकिन कह रहा है नाम नहीं आया, नाम तो कल पता चलेगा भैया, नाम कल ही पता चलेगा, जब वहाँ डालने जाओगे तो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं टेबल लगा के बैठे होंगे, वहाँ पे तुम उनसे देखोगे तब वो बताएंगे तुम्हारा नाम, तुरंत पर्ची तुमको देंगे, फिर अंदर जाओ। उसके बाद आए यहाँ पे सबका नाम लिख रहे थे, कहाँ नाम लिख रहे थे? यहीं पे घर के सामने। हाँ
ध्यान भी नहीं दिए सबका नाम नहीं। कल जाके तुम वहाँ देखना ठीक है। कल कल ही 20 तारीख है भैया, कल वोट है यहाँ। ममता में बीपी वाला रहता है, वोटर आईडी ले जा सकते हैं। वोटर आईडी ले जा सकते हैं। हाँ वोटर आईडी ले जाना, और वोट डालने जाएंगे तो कहेंगे भैया तुम्हारा नाम नहीं आया तो जाना। मम्मी कहाँ है तुम्हारी भैया, पूछो क्या करना है, इसका हालत खराब हो रही है। इसको देख सकती हैं कि कल देखेंगी, कल देखेंगे बता रही। कुछ खिलाना पिलाना हमको है भैया, खाना खा लो क्या, आज खाए हो तो खा लो। अरे एक बार मिलो तो बताओ क्या दिक्कत है, भले कल देखें लेकिन देखा तो दो एक बार। यार वो तो पिलाओ हमको भी ठंडा पानी। अरुण क्या सजेस्ट, अभी अभी हम आ रहे हैं और अरुण की मम्मी बोली कि कल आना खाली पेट, तब देखेंगे तब सही करेंगे, बिना मतलब कुछ खाए वह रहो, खाए रहोगे तब नहीं सही होगा ना दिखेगा। तो कल सुबह सोच रहे हैं जाएंगे ब्रश व्रश करके तब सही करवा के आएंगे, अभी कुछ खा पी लें। तो नहीं से जा रहे हैं भैया ग्रुप पे, लो पानी यार जग से क्या मतलब भरा रहे पानी बस। हाँ तो पानी नहीं भरा, ये तो प्रॉब्लम है। भर ले तो भरी है, हम लोगों से सबसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है भैया। तो सोच रहे हैं इतनी रात हो गई लेकिन तब भी हम जा रहे हैं कूलर लगाने के लिए, 8:30 बज रहा है, ऋतिक ऊपर ही है, चल रहे हैं कूलर उतरवा के लाएंगे इन लोग से। भैया बहुत गर्मी है देख रहे हो, ये चल रहा है उसके बाद भी लग रहा है कि कुछ चल ही नहीं रहा, लाइट वेट है ही नहीं। और जब से हम लोग गांव गए हैं तब से बता रहे हैं सब लोग कि लाइट एकदम कटने लगी है। हम लोग गए यहाँ से लाइट लेके चले गए गांव में बढ़िया लाइट आ रही थी, थोड़ी देर कट रही थी 15-20 मिनट ना। इतना बढ़िया, अरे भैया इतना बड़ा कूलर था, इतना बड़ा क्या हुआ, काहे नहीं बैठ के खाई। A few moments later. क्या? निकालो। बहुत गर्मी है, जल्दी निकालो भैया। एक एक उस साइड पकड़ो ना। अंदर डाल दो उसके। राम आओ। आ जाओ। आओ। आराम से इसको पेंट करने मांग रहा है, रख दो फिर। क्या हो रही है हमारे कूलर की सफाई, देखेंगे टाइम हम मिलेगा तो इसको भी थोड़ा बहुत पेंट करेंगे। ये जो पेंट बीच बीच में सूट गया है इसको पेंट कर लेंगे, लेकिन अभी तो भैया हमारे पास ना हालत है ना टाइम है। इनको इन दोनों देखो गए हैं ईंट लेने, बहुत घूम के आ चुके हैं। कितना बचा पानी, और पानी थोड़ा बहुत बचा है, इसको साफ करवा रहे हैं, साफ हो जाए फिर पानी डलवा के चालू होगा। हो जाओ देखो बेचारे गर्मी में, क्योंकि इनके वहाँ कूलर ही नहीं लगा। हम रहते थे सबसे पहले, हमारा ही लगता है, मानते हो कि नहीं? लगा अभी तो तुम्हारा लगा है, लेकिन जब रहते हैं तो सबसे पहले किसका लगता है, मेरा लगता है। अच्छा